आई नो मैटर हाउ फास्ट और स्लो यू गो फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड। टुडे इज 12th and 13th of May 2022। आज हम दो दिन का न्यूज़पेपर कवर करेंगे एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स न्यूज़पेपर सेम डे अपना कंटिन्यू होगा। ओके, सो दिस इज 12th and 13th May 2022। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। पॉलिटी क्विज के आंसर्स हैं, Which one of the following liberty is not embodied in the preamble of the Constitution of India? The answer is economic liberty. The preamble and the directive principle of state policy mein economic justice ki baat hai. It is the people who are final authority in all matters. Ye hai India Republic ka matlab. Jo asli taakat hai, asli power hai, final authority hai, wo yahan ke people hai. के एम मुंशी साहब ने कहा था द हॉरोस्कोप ऑफ वन सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रीएम्बल को सोवरेनिटी मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट होता है किसी भी स्टेट का। आज के सवाल है, ये पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सेकंड क्वेश्चन इज रास तानूरा ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड वेयर। थर्ड क्वेश्चन इज वेनेजुएला किस बात के लिए फेमस है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ग्रुप ऑफ मिनरल्स रिप्रेजेंट्स नॉन फेरस मेटल्स। सो दीज आर फाइव क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है इनड्यूबिटेबल, इसका मतलब वो जाहिर सी बात है, इम्पॉसिबल टू डाउट, अनक्वेश्चनेबल। प्रिकली का मतलब होता है चिड़चिड़ा, रेडी टू टेक ऑफेंस। कैप्रीशियस मीन्स होता है मनमौजी, गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर। डर्थ ऑफ नॉलेज मतलब कमी नहीं है, अ स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, लैक स्कार्सिटी। क्रूसीफाई का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज सीवियरली एंड अनरिलेटिंगली। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये सी सेट का आरसी पैराग्राफ है, ट्राई टू सॉल्व दिस आरसी। और ये दो सवाल हैं सी सेट के, मैथ्स के हैं सी सेट के। दीज आर टू क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर। सो आज हम पढ़ेंगे 12th of May 2022 और 13th and 13th of May 2022, दो दिन के न्यूज़पेपर आज हम कवर करेंगे। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद 12th। सो 12th में फर्स्ट जो न्यूज़ था वो था सेडिशन लॉ का। सेडिशन लॉ मतलब सेक्शन 124A, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A। तो सुप्रीम कोर्ट पुट्स कॉलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड पे रखा है, ये अभी कैंसिल नहीं हुआ है, अभी होल्ड पे है। कोर्ट सस्पेंड्स पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स अंडर सेक्शन 124A। तो जो पेंडिंग क्रिमिनल ट्रायल्स थे जिनको सेक्शन 124A के अंदर अरेस्ट किया गया था, उसको अभी सस्पेंड कर दिया गया है। Allows center to reconsider the law. तो सेक्शन 124A हाल की डेट में, आज की डेट में ऑन होल्ड है, सेंटर अब इसको रिकंसिडर करने की कोशिश करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को सस्पेंड किया है क्रिमिनल ट्रायल्स एंड कोर्ट्स प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 124A सेडिशन ऑफ इंडियन पीनल कोड वाइल अलाउविंग द यूनियन ऑफ इंडिया टू रिकंसिडर द ब्रिटिश एरा लॉ। तो ये जो सेक्शन 124A है इसमें अभी रिकंसिडरेशन होगा, रिव्यू होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक सेक्शन 124A ऑन होल्ड है। जितने भी पेंडिंग ट्रायल्स हैं, अपील्स हैं, प्रोसीडिंग्स हैं 124A के अंदर, अभी सब एबेयंस में है, मतलब होल्ड पे है। तो ये थ्री जज बेंच ने यहाँ पे अनाउंस किया। इट वॉज आर्ग्यूड दैट नियरली 13,000 पीपल वर ऑलरेडी इन जेल अंडर द सेडिशन प्रोविजन। दिस इज अ ह्यूज नंबर। सेडिशन जो था वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजन आता है कि एट टाइम्स इट इज रिक्वायर्ड, बट द पॉइंट इज सेडिशन में जो चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं प्लस सेडिशन में मिस यूजेज की जो पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, सो दिस मेक्स अस, दिस फोर्सेस अस टू रिकंसिडर दिस लॉ। सो लेट अस सी अब आगे ये किस डायरेक्शन में जाता है। तो अब कोई नई FIR रजिस्टर नहीं हो पाएगी सेक्शन 124A के अंदर, दिस इज अ गुड मैसेज। तो फ्रेश केसेस जो हैं वो अभी यहाँ पर नहीं आएंगे और जो ऑलरेडी केसेस रजिस्टर थे वो ऑन होल्ड चले गए हैं। द कोर्ट मीनवाइल गेव द यूनियन ऑफ इंडिया लिबर्टी टू इशू अ डायरेक्टिव टू स्टेट्स अथॉरिटीज
टू प्रिवेंट द कॉन्टिन्यूड मिसयूज ऑफ द सेडिशन लॉ। वरना अक्सर इंडिया में ये भी देखने को मिलता है कि कोई लॉ और एक्ट रिपील हो गया है, बट उस लॉ और एक्ट के थ्रू फर्दर जो पुलिस होती है वो कई बार अरेस्ट करती है। सो द पॉइंट इज, इसमें क्लियर नोटिफिकेशन और सर्कुलर इशू हो सेंटर के द्वारा स्टेट से कि सेक्शन 124A के अंतर्गत अब किसी को भी अरेस्ट एंड डिटेंशन नहीं होगा। सो दिस इज सुप्रीम कोर्ट पुट्स कोलोनियल सेडिशन लॉ ऑन होल्ड। ये दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है पॉलिटी का। सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स गवर्नमेंट क्लेम दैट ओनली प्रेसिडेंट हैज़ पार्डन पावर। सी, प्रेसिडेंट हैज़ पार्डन पावर। सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स गवर्नमेंट क्लेम दैट ओनली प्रेसिडेंट हैज़ पार्डन पावर। हमने मर्सी पेटिशन देखा था, प्रेसिडेंट की मर्सी पेटिशन होती है और गवर्नर की मर्सी पेटिशन होती है। जब कैपिटल पनिशमेंट दिया है तो ट्रेडिशनल पॉलिटी की बुक्स क्या बोलती है, केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही अगर कैपिटल पनिशमेंट है तो उसको पार्डन करने का पावर केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। अभी तमिलनाडु में एक ऐसा केस आया था जिससे ये न्यूज़ फिर से आ गई कि क्या गवर्नर भी पार्डन कर सकता है डेथ पेनल्टी को। तो सेंटर ने जो क्लेम किया और तमिलनाडु गवर्नर के थ्रू, नॉट द तमिलनाडु गवर्नर, इसमें अभी बहुत पॉलिटिसाइजेशन भी है, सो लेट अस वेट। बट राइट नाउ अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्लेम यहाँ पे दिस कहा है कि ओनली प्रेसिडेंट हैज़ पार्डन पावर। अब ये चीज़ अगर हमारे एग्जाम कॉन्टेक्स्ट में आती है ना, तो जो ट्रेडिशनल बुक्स में जो हम पढ़ते आए हैं वही करेक्ट माना जाएगा। थ्री जज बेंच ने यहाँ पे बताया है, आर्टिकल 161 द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट्स टू ग्रांट पार्डन अ डेड लेटर। डेड लेटर मतलब गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर है वो दिस पार्डन नहीं कर सकते हैं कैपिटल पनिशमेंट को। फॉर नाउ लेट अस वेट फॉर सम मोर क्लैरिटी, बट फॉर नाउ जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत एट्सेट्रा में जो लिखा है कि प्रेसिडेंट को ही केवल पार्डन पावर होता है कैपिटल पनिशमेंट में, डेथ सेंटेंस में। सिमिलरली कोर्ट मार्शल्स और इन सब में भी केवल प्रेसिडेंट को ही पावर होता है, गवर्नर को पावर नहीं होता है। प्लस गवर्नर डेथ पेटिशन, डेथ कैपिटल पनिशमेंट को पार्डन नहीं कर सकता है। पार्डन का मतलब होता है कम्प्लीटली उसको स्कॉट फ्री कर दिया, पार्डन नहीं कर सकता है, बट किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। ओके, सो दिस इज दैट सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स गवर्नमेंट क्लेम्स दैट ओनली प्रेसिडेंट हैज पार्डन पावर। इसको हम रिविजिट करेंगे, फॉर नाउ जो ट्रेडिशनल बुक्स में लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। देन दिस इज ओडिशा आंध्रा ऑन अलर्ट ओवर साइक्लोन। तो ये एक साइक्लोन आसानी है, ये ब्रीफली एंटर हुआ आंध्र प्रदेश में बट फिर ये वापस ऐसे टर्न हो गया सी शोर में एट्सेट्रा। सो IMD ने कुछ रिलीफ यहाँ पे बताया है। जो हमारा कोस्टल एरिया है ओडिशा का, आंध्रा का, इवन बंगाल, वेस्ट बंगाल भी, यहाँ साइक्लोन से बहुत डैमेज होता है, साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन दिस इज लेन वॉयलेशन से इतने जो केसेस हैं वो बुक किए गए। लेन क्या होता है, जैसे मल्टी लेन रोड्स होती है, तीन या चार लेन है, आप अपना व्हीकल यहाँ चला रहे हो तो आपको इस लेन में ही कंटिन्यू करना है, ये नहीं कि आप स्पायरल ऐसे जिगजैग चलने लग जाए, लेन वॉयलेशन। देन दिस इज कैलकाटा हाईकोर्ट डायरेक्टिव टू जूट कमिश्नर ऑन रॉ जूट। इंडिया में दो फाइबर्स इंपॉर्टेंट है, एक है कॉटन और दूसरा है जूट। कॉटन कहाँ पे होता है, टूवर्ड्स दिस वेस्ट। जूट कहाँ होता है, टूवर्ड्स दिस ईस्ट। देन दिस इज फ्रोजन सेडिशन, यहाँ पे फर्दर एडिटोरियल टेक लिया है, द गवर्नमेंट मस्ट हीड द स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। क्योंकि अभी सेडिशन केवल होल्ड पे है और गवर्नमेंट को उसको रिविजिट करके रीड्राफ्ट शायद पॉसिबल होगा सेक्शन 124A का, प्रिवेंट करना है मिसयूज ऑफ सेडिशन लॉ। ऑल पेंडिंग ट्रायल्स, अपील्स एंड प्रोसीडिंग्स विद रेस्पेक्ट टू द चार्ज फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 124A बी कैप्ट इन एबेयंस। एबेयंस में है ये भी। तो सेक्शन 124A एक्चुअली क्या था, इसमें ये था, आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, कोई एक्ट है, ये क्रिमिनलाइज करता था स्पीच, राइटिंग, रिप्रेजेंटेशन जो कि या तो स्टेट के अगेंस्ट जा रहा है, बट बॉर्डर इतनी नैरो थी, इसका अंडरस्टैंडिंग इतनी ब्रॉडर हो सकती थी कि कई बार ये गवर्नमेंट के को भी क्रिटिसाइज किया है तो वो भी सेडिशन हो जाता था सेक्शन 124A में। मिसअंडरस्टैंडिंग, वेगनेस ऑफ दिस वर्ड्स थी, चॉइस ऑफ वर्ड्स, सो दैट इज वाई ये डिसीजन लिया है। सेंटर एंड द स्टेट्स विल रिफ्रेन फ्रॉम रजिस्टरिंग एनी फ्रेश केस ऑफ सेडिशन अंडर 124A ऑफ द IPC, और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो अभी होल्ड पे रहेंगे। सो दिस इज गुड। रियलाइजिंग दैट इट्स ऑर्डर मे नॉट बी इनफ टू डिटर
थिन स्किन्ड एंड विंडिक्टिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकली ब्लाइंड पुलिस ऑफिसर, तो मिसयूज जो होता है कोर्ट ने यहाँ पे इसको बताया। 1962 में एक बार पहले भी इस पे एक डिसीजन लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, और तब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सेडिशन एक्ट को अपहोल्ड किया था, मतलब इसको वैलिड बताया था। बट अब इतना टाइम हो गया है, रीविजिट करने की ज़रूरत है, इंटरनेट एज है, सो दैट इज़ वाई ये जो रिकंसिडर किया जा रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। 60 ईयर पुराना डिसीजन है, कोर्ट इसको रिविजिट कर सकती है। अब लेट अस सी 124 को कम्प्लीटली स्ट्राइक डाउन किया जाता है या फिर ये अमेंडेड फॉर्म में आता है, लेट अस वेट एंड वॉच। गवर्नमेंट अब यहाँ पे क्या करे, गवर्नमेंट इसको फिर से रीडिफाइन कर सकती है, बिकॉज यू नो अगर बात आए सोवरेनिटी इंटीग्रिटी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, देयर शुड बी सम लॉ, बट वो लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट टू मिसयूज हो जाए। सो लेट अस सी गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है। बट जो स्पिरिट है कि जो मिसयूजेज नहीं होना चाहिए सच टाइप ऑफ सेडिशन एटसेट्रा का, इसको होल्ड करना जरूरी है, प्रिवेंट इट्स मिसयूजेज। सो दिस इज एडिटोरियल टेक ऑन फ्रोजन सेडिशन। एंगेज नॉट डिसमिस, दिस इज अबाउट जो एक्सेस डेथ का WHO का एस्टिमेट है, उसमें जो बताया गया है नंबर वो कुछ बहुत ही ज़्यादा नंबर बताया, अप टू 10 times ज़्यादा डेथ हुई है COVID-19 ऑफिशियल फिगर्स है। इसमें एंगेज करें, डेटा में जो डिस्क्रिपेंसी है उसको दूर करें, दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड। देन द बिटर डिस्प्यूट ओवर इंडियाज पैंडेमिक मोर्टैलिटी, सेम चीज़ यहाँ कॉन्टिन्यू किया है, इसको बहुत डिटेल में अब नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट यही है कि जो WHO का जो डेटा है वो एक्चुअल डेटा भी नहीं है, वो एक्स्ट्रापोलेशन है और वो डेटा थ्योरेटिकल मॉडल्स पे बेस्ड है, सो उस पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाउट्स रेज किए हैं। बट द पॉइंट इज कि प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअल नंबर्स हमारे पास आए, पैंडेमिक मोर्टैलिटी जो हुआ है उसके रियल एक्चुअल नंबर होना जरूरी है। देन स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर टर्मिनेशन एज एन अनकंडीशनल राइट, अभी US में एक डिसीजन आ रहा था तो टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फिर से अभी न्यूज़ में है, ये चीज़ है, इसको आप राइट टू लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं एट टाइम्स, बिकॉज इसमें जो होता है राइट टू लाइफ में जो मदर है उसका चॉइस प्रोमिनेंट होना चाहिए, उसका डिसीजन होना चाहिए, स्टेट जो है उस इन सब मैटर में पर्सनल मैटर में इंटरवीन करने से बचना चाहिए, दिस ये ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट रहा है। सो व्हाइल एक्सेस टू अबॉर्शन हैज़ बीन अवेलेबल अंडर द लीगल रिजीम इन द कंट्री, देर इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड बिफोर इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज राइट ऑफ पर्सन, ये राइट ऑफ अ पर्सन है, हैविंग द कैपेसिटी टू बिकम प्रेगनेंट टू डिसाइड अनकंडीशनली वेदर अ प्रेगनेंसी इज टू बी कॉन्टिन्यूड और नॉट, तो ये एक प्रोविजन है। सेकेंड, कई बार कॉम्प्लिकेशंस आता है, हेल्थ रिलेटेड इशूज आता है, डिसीजन मेकिंग होता है कि लाइक कॉम्प्लिकेशंस एट्सेट्रा है, सो देर शुड नॉट बी लाइक ब्लैंकेट बैन जैसे कि ये अलाउ ही नहीं होगा, दिस विल बिकम इलीगल लाइक दैट। यहाँ पे चॉइस होना चाहिए एंड चॉइस जो होती है वो दिस, ये जो राइट है राइट टू लाइफ, दिस शुड बी दैट ऑफ द मदर द पेरेंट, सो दिस हैज टू बी देयर। देन बिकॉज इसमें फिर एथिक्स भी आ जाते हैं, एथिकल एंगल हम GS4 भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। देन प्रैक्टिकलिटी भी होता है, द विनर्स एंड द लूजर्स ऑफ द वॉर, अब ये जो पूरा रशियन इन्वेजन हुआ इसमें कौन विनर है कौन लूजर है, लूजर तो क्लियर कट है यूक्रेन के पीपल बिकॉज जहाँ वॉर होता है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ थ्रेटन होता है, लाइफ लॉसेस होते हैं, ट्रेजेडी होता है जहाँ भी वॉर होता है, जो थिएटर है जहाँ पे वॉर होता है, तो यूक्रेन यहाँ पे क्लियर कट लूजर रहा है, यूक्रेन के लोग। अब रशिया की भी बात करें तो रशिया को भी सीवियर डैमेजेस हुए, सबसे बड़ा रशिया के साथ जो हुआ है वो उसकी क्रेडिबिलिटी, रशियन द माइटी रशियन आर्मी जो माना जाता था जिस तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाई, द माइटी रशियन वेपन्स जिन्हें माना जाता था वो डिलीवर नहीं कर पाए, प्लस जिस तरीके से जो वॉर है आज की डेट में ट्रेडिशनल वॉर नहीं है, वॉर के मायने बदल गए हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, देन इंटेलिजेंस का वॉरफेयर है, नैरेटिव का वॉरफेयर है, अलायंस का वॉरफेयर है, इन सब चीज़ों में नए डायमेंशंस ऐड हुए हैं दिस यूक्रेन रशिया क्राइसिस। आज की डेट में जितनी भी मिलिट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की, जितने भी थिंक टैंक्स हैं, वो बहुत क्लोजली एनालिसिस कर रहे हैं इस यूक्रेन रशिया वॉर का, कि आने वाले टाइम पे अगर ऐसी वॉर हमें भी लड़ना पड़े तो हमको क्या लेसन्स यहाँ हमसे सीख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्रेनियंस जो हैं यहाँ पे वो लूज किया है उन्होंने,
उन्होंने बहुत एक्सट्रीमली ब्रेव एंड रिजाइलेंट फ्रंट भी शो किया, बट द पॉइंट इज कंट्री इज डिवास्टेटेड फ्लैटेंड इन लार्ज एरिया एंड मैनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। सेकेंड जो हुआ वो रशिया में जो क्रिटिसिज्म हुआ, देन रशियन आर्मी भी अंडर परफॉर्म किया, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है रशिया का। अभी जो सैंक्शंस हैं इससे भी ओवरकम करने में रशिया को काफ़ी टाइम लगेगा। ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको भी डिफीट हुआ है, और विनर जो होता है, विनर होता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लियर कट विनर है इस पूरे एपिसोड में। वाई? पहला तो ट्रंप के टाइम पे जो नेटो साइडलाइन होने लग गया था, अभी फिर वो कोहेसिव हो गया है, बहुत ज़्यादा नेटो कोहेसिव हो गया है। प्लस नेटो की मेंबरशिप बढ़ने की भी अभी बातें हो रही है। यूक्रेन में भी जिस तरीके से रिसेंटमेंट अब रशिया के लिए आ गया है, तो यूक्रेन भी अब ईयू ज्वाइन करेगा, नेटो का मेंबरशिप लेगा, प्लस दूसरी कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन एट्सेट्रा, दे विल ऑल्सो ट्राई। सो नेटो का प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ने का चांसेस हैं। प्लस यूरोप भी यूनाइटेड हो गया है बिकॉज ऑफ दिस रशियन एक्शन। तो अब क्या होगा, जो रशिया है, रशिया को तो इकोनॉमिकली लॉसेस भी हुए, मिलिट्री लॉसेस भी हुए, पर जो वेस्ट है, वेस्ट में भी स्पेशली यूएसए है, अब क्या होगा, यहाँ पे इकोनॉमी मूव होगी, यूक्रेन को रीबिल्ड करने की बात आएगी, सप्लाईज कहाँ से आएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स कहाँ से आएंगे, सो दिस इज़ गुड फॉर यूएस इकोनॉमी, सो दिस इज़ गेन फॉर द वेस्ट, क्लियर कट गेन्स फॉर द वेस्ट। देन इंडिया की पोजीशन देखें तो इंडिया को एज सच यहाँ पे न्यूट्रल रहा है, इंडिया ने अपने स्टैंड, अपने डिसीजन के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से डिसीजंस लिए। ऑयल हमने रशिया से मिला बिकॉज चीपर डिस्काउंट रेट पे था, अब हम रशिया पे बहुत ज़्यादा वेपन्स पे भी डिपेंडेंट है, बट अब रशियन वेपन्स की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठ रहा है, तो देर आर मैनी लेयर्स। सो अब देखते हैं हम इसको आगे कैसे कंटिन्यू करते हैं, बट द गुड थिंग इज़ इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन यहाँ पे लिया था, और प्रेशर में अंडर परफॉर्म, प्रेशर में ऐसे डिसीजंस नहीं लिए इन्होंने, इवन जब यूएसए भी प्रेशराइज कर रहा था इंडिया को। लेट अस सी द विनर्स एंड लूजर्स ऑफ द वॉर। देन फ्रॉम भारत टू इंडिया, इंडिया में डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसको एड्रेस करना, ऑनर करना चाहिए। वीक रुपी, ब्लीक क्लाइमेट, अब ये एक और डिफिकल्टी है, रशियन क्राइसिस हुआ, कोविड-19 क्राइसिस हुआ, लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हैं, और रुपी डिक्लाइन हो रहा है। इसमें एज सच रुपी को इंडिपेंडेंटली नहीं देखना चाहिए, रुपी डिक्लाइन हो रहा है इसका बहुत बड़ा रीज़न है डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली नॉट ओनली रुपी, यूरो भी डिक्लाइन हो रहा है, मोस्ट ऑफ द करेंसीज इन कंपेरिजन टू डॉलर दे आर डेप्रिशिएटिंग। सो वीक रुपी, ब्लीक क्लाइमेट, क्लाइमेट क्राइसिस इज अगेन वन थिंग। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन तमिलनाडुज डेवलपमेंट, अब जो तमिलनाडु है वो गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, ये सुपर पावर स्टेट्स हैं, ये बहुत फोकस करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इकोनॉमी में एट्सेट्रा। सो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे इन राज्यों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी ह्यूज होता है जीएसटी में, हम देख रहे थे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, लाइक दे आर एडवांस्ड, कर्नाटका सिमिलरली आईटी एंड ऑल में, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ने तमिलनाडु को काफ़ी हेल्प किया है। तमिलनाडु को बड़ी हेल्प भी मिलती है ज्योग्राफी के कारण, एक तो यहाँ पे फ्लैट टेरेन भी है काफ़ी ज़्यादा, प्लस सी ओपनिंग है यहाँ पे, एक्सपोर्ट हो सकता है, पूरा बे ऑफ बंगाल इतना पूरा एक्सेस है, इन सब चीज़ों के कारण नेचुरल एडवांटेज मिलता है तमिलनाडु को। रिटेनिंग द जीएसटी, लैक ऑफ टॉयलेट यूजेज नॉट राइट, देन मेंस्ट्रुअल क्लोथ, एड फॉर यूक्रेन एंड अवर्टिंग एन ऑयल स्पिल। देन लुक एट दिस, ये अब्रॉड नहीं है, विदेश नहीं है, ये इंडिया है, और इंडिया में भी दिल्ली है, यस दिस इज़ दिल्ली, और ये दिल्ली की यमुना है, और ये कोई बर्फ़ वगैरह नहीं है, दिस इज़ नॉट स्नो और आइस, दिस इज़ फोम, और ये है पॉल्यूशन। मैन रो अ बोट इन द पॉल्यूटेड वाटर्स ऑफ यमुना रिवर कवर्ड विद फोम इन न्यू दिल्ली ऑन November 19, 2020, नॉट एट ऑल राइट। यमुना इतना पॉल्यूशन है, दिल्ली आते ही, क्रॉस करते ही यमुना बड़ी पॉल्यूटेड हो जाती है, रिवर पॉल्यूशन इज़ अ बिग हेडेक। दो टर्म हम देखते हैं, एक होता है इकोलॉजी, एक और टर्म होता है इकोलॉजिज्म, इसका मतलब है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वो इन सिंक होनी चाहिए एनवायरनमेंट के। फैशनेबल फाइट है अगेंस्ट पॉल्यूशन, रिसोर्स डिप्लीशन इज शैलो इकोलॉजिज्म। एक्चुअली जो इकोलॉजिज्म है, जैसे हम ज्योग्राफी में नियो डिटर्मिनिज्म पढ़ते हैं, हमारे जो भी एक्टिविटीज़ है वो इन सिंक होनी चाहिए एनवायरनमेंट के। तो एक्सपोनेंट ऑफ दिस फिलॉसफी इकोलॉजिज्म बिलीव करता है कंटिन्यूइंग अवर प्रेजेंट लाइफस्टाइल बट विथ स्पेसिफिक ट्वीक्स, मिनिमाइज करें द डैमेज टू द एनवायरनमेंट, बिकॉज यू नो हम श्रीलंका की तरह भी नहीं करना चाहिए कि हमने केमिकल फर्टिलाइजर ही बंद कर दिया, नो,
कैटास्ट्रोफिक डिसीजन रहा ये। द आइडिया इज न्यू डिटर्मिनिज्म, हम रेगुलर वे में आगे बढ़े, जैसे कोल को हम फेज्ड आउट नहीं कर रहे हैं, फेज्ड डाउन कर रहे हैं, ग्रेजुअल चेंजेस कर रहे हैं, हम क्लीन एनर्जी की तरफ भी बढ़ रहे हैं बट साइमल्टेनियसली हम डिकपल भी नहीं कर रहे हैं कोल से खुद को। तो दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड, इकोलॉजिज्म। डीप इकोलॉजिज्म बोलता है कि ह्यूमंस कल्प्रेट होते हैं तो हमारी जो नेचर है, रिलेशनशिप है नेचर, वो सिंक होना चाहिए। ये रिजेक्ट करता है शैलो इकोलॉजिज्म, प्रायोरिटाइजिंग ह्यूमंस अबव अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सब्सिक्वेंटली प्रिजर्विंग द एनवायरमेंटली डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी। तो एक्चुअली यहाँ पे भी होता है, जैसे यूपीएससी प्रिपरेशन में भी दो चीज़ होती है, एक होता है बातें बनाना और एक होता है एक्चुअली में पढ़ना, एक्चुअली पढ़ाना। सिमिलरली एनवायरमेंट फाइट में भी ऐसा होता है, एक जो सेक्शन होता है वो लाइक फैंसी टॉक्स है और एक्चुअल में जो वर्क करता है वो होता है ऐसे सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव चेंजेस क्लीन एनर्जी की तरफ, बट विदाउट ब्रेकिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। सो दिस इज इकोलॉजिज्म, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब्स की ट्राई कर रहे हो, गवर्नमेंट भी जो होती है ना ये ह्यूज मशीनरी होती है, ये ऐसी फैंसी बातें गवर्नमेंट जॉब्स में एक्चुअली में नहीं वर्क करती है कि हम एक ही दिन में इतने बड़े बड़े चेंजेस कर देंगे, इट एक्चुअली डोंट वर्क। आपको जो चेंजेस करने होते हैं ना वो इंक्रीमेंटल चेंजेस करने पड़ते हैं। ये बहुत वेल ऑयल्ड मशीनरी होती है, एवरीबडी अपना ड्यूटी अच्छे से करे, अपना स्मॉल स्मॉल एफर्ट करे, ये कलेक्टिवली होके एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आता है। इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल हीरोइज्म, सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो सिमिलरली कंजर्वेशन करना है तो हम फैंसी टॉक्स करने के बजाय एक्चुअली जो हम हैबिचुअल हमारा जो बिहेवियरल चेंजेस हो, हम इनोवेशन करें, होलिस्टिकली हम आगे बढ़े विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड, जो इंडिया ने बहुत क्लियरली बताया, कोल को हम फेज्ड आउट नहीं कर रहे हैं, हम फेज डाउन कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम इसको रिप्लेस करेंगे। दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड, सो दिस इज इकोलॉजिज्म। इंग्लिश की बात करें तो जैसे कंडीशन हम बात बोलते हैं, कैसी कंडीशन है, द साइकिल इज इन पुअर कंडीशन, द हाउस इज इन बैड कंडीशन, तो दिस इज दिस कंडीशन। हिज हेल्थ इज इन एक्सीलेंट कंडीशन, कई बार हम स्टेट वर्ड भी यूज़ करते हैं, हिज कार इज इन एक्सीलेंट स्टेट, हिज हाउस इज इन अ पुअर स्टेट। तो कंडीशन डज टेक ए व्हेन इट इज़ नॉट प्रिसीडेड बाय गुड बैड और सिमिलर वर्ब। तो कोई कंडीशन खराब बतानी है तो उसके आगे हम अ कंडीशन लिखते हैं, फिर ए लिखते हैं, आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू वॉक, आई एम नॉट इन अ कंडीशन टू हेल्प यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। सो द पॉइंट इज कंडीशन नॉर्मली हो रहा है तो हम कुछ चीज़ बता रहे हैं, वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी, ए कंडीशन करके बता रहे हैं तो वो नेगेटिव होता है, ओके। बाकी इसमें जार्गन्स हैं, ये नेक्स्ट क्लास में अभी अगले दिन के पेपर में देखते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, फ्रोजन द ब्रिटिश इरा सेडिशन लॉ, नाउ बेल इज रूल इन सेक्शन 124A केसेस। देन दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, सेंटर्स कंसर्न ऑन मैराइटल रेप इज लेजिटिमेट। अब कल इसका एक एडिटोरियल आया है टेक, उसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इन अ मैरिज कॉन्जुगल एक्सपेक्टेशंस इज अ टू वे स्ट्रीट, ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और इस पर अभी ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स भी दिए, इसको हम अभी आगे बात करते हैं। देन दिस इज राष्ट्रपति साहब टू विजिट लुम्बिनी, प्राइम मिनिस्टर साहब टू विजिट लुम्बिनी विल बी सिग्निफिकेंट, नेपाल के एनवॉय ने का, और वार्म वेलकम है प्रेसिडेंट साहब विद शंकर प्रसाद शर्मा एम्बेसडर ऑफ नेपाल। सो दिस इज देयर प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी विजिट होने वाला है बुद्ध पूर्णिमा में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज नेक्स्ट वन, देन दिस इज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पंडित सुखराम साहब इज नो मोर, देन बाबुल सुप्रियो, ओके। दिस इज CBI अरेस्ट 6 ऑफिशियल 8 अदर्स इन FCRA। FCRA क्या होता है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। Then this is economy on the brink of total collapse. Sri Lanka mein situation is not good at all. Political stability bhi ab difficult ho rahi hai. Economic stability to all nahi thi wahan pe. To new prime minister bane hain abhi, says Gotabaya. Vikram Singhe abhi yahan ke naye prime minister hai. Pakistan courts ask intel agency not to arrest journalist. Inflation is the biggest challenge now. Inflation, stagflation हो रहा है, मतलब inflation भी high है, inflation high होती है तो economy और employment भी बढ़ना चाहिए, but inflation भी high है और economy भी नीचे है और unemployment भी है, तो this is called stagflation.
रुपी फेल ऑन स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग डॉलर. स्ट्रॉन्ग डॉलर है इसलिए रुपी को डिफिकल्टी आ रही है. शिपर्स अर्ज टू यूज इंडियन पोर्ट्स. अब देखो कोलंबो जहाँ डिफिकल्टी होती है ना बिजनेस उस चीज़ को अवॉइड करने लग जाता है. कोलंबो में डिफिकल्टी है तो अब सारे जो शिपर्स हैं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं. इंडिया के जो ये मेजर पोर्ट्स हैं यहाँ के इनको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है. टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन ईवी मैक्स लॉन्च किया है, इसकी रेंज अब बढ़ा दी गई है. देन पैसेंजर व्हीकल होलसेल ड्रॉप्स टू दिस मच, ये सियाम ने बताया. एंड दिस इज स्पोर्ट्स. ओके तो ये तो था 12th of May. अब हम 13th of May देखते हैं. तो कल से कंटिन्यू करते हैं. रिटेल इन्फ्लेशन क्विकन्स टू एन ऑलमोस्ट 8-year high एट 7.8%. दिस इज क्रेजी, दिस इज नॉट एट ऑल राइट. 7.8% पे इन्फ्लेशन है, मतलब पैसा आपका डिटीरियोरेट हो रहा है सारा. अप्रैल CPI इन्फ्लेशन ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हायर फ्यूल फूड कॉस्ट और 8.4% तक जा रहा है. नॉट एट ऑल राइट. कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है दिस इज़ रिकॉर्ड हाई. रूरल इन्फ्लेशन भी ज़्यादा जा रहा है. नॉट एट ऑल राइट. नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये बताया. फूड प्राइस भी बढ़ रहा है. नॉट एट ऑल राइट. क्रूड प्राइस का भी सर्ज हो रहा है, इसको इमीडिएट इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है. दिस हाई इन्फ्लेशन इज़ नॉट राइट, अदरवाइज स्टैगफ्लेशन का होगा, इकोनॉमी में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है. बट यहाँ ऐसा बोला है लेस इम्पैक्ट ऑन लो इनकम स्ट्राटा. इन्फ्लेशन इज़ नॉट राइट. इन्फ्लेशन होती है तो जो फिक्स्ड सैलरी वाले लोग होते हैं जिनको महीने एक तनख्वाह आ रही है, या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो FD या सेविंग्स पे डिपेंडेंट है, इनका सारा पैसा इरोड होने लग जाता है. इरोड तो दिस इज़ नॉट राइट. गोटाबाया अपॉइंट्स रानिल विक्रमसिंघे एज श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर, तो दिस इज़ देयर. एंड फिनलैंड लीडर्स इन फेवर ऑफ सीकिंग नेटो मेंबरशिप, जो कल के आर्टिकल में पढ़ा ना, देखो अब ये भी अब नेटो मेंबरशिप में आ रहे हैं. तो क्लियर कट यहाँ जो विनर आया है वो USA है और नेटो है, और रशिया बहुत अब डिफीटेड नजर आ रहा है यहाँ पे. सो दिस इज देयर. देन दिस इज इवेंट होराइजन रिवील्स ट्रू कलर ऑफ दिस SGRA. ये क्या है? सैगिटेरियस ए. इवेंट होराइजन क्या है? इवेंट होराइजन जो है ये ह्यूज टेलीस्कोप्स है, एनसेम्बल है, बहुत सारे टेलीस्कोप्स का एनसेम्बल है. सेवरल टेलीस्कोप्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक साथ मिलके एक जाइंट आई बनाते हैं, मतलब स्पेस पे नज़र रखे हुए हैं अर्थ से. तो इन्होंने ह्यूमन आई से भी ये 3 million times ज़्यादा अच्छे से ये विजिबिलिटी है इनकी, बिकॉज एनसेम्बल है, कलेक्टिव टेलीस्कोप वर्क कर रहे हैं. इसने फाइंड किया अभी 27,000 light years दूर सैगिटेरियस ए. तो यहाँ इस तरीके से इसकी रिंग दिखी है सैगिटेरियस ए. अभी 27,000 light years दूर है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इज़ सो हाई. सो लाइक स्पीड ऑफ लाइट को भी 27,000 years लग जाएंगे दिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए. तो दिस डिस्टेंस इज सो फार. सो ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ये फाइंड किया है, तो दिस इज़ रियली गुड. रिंग शेप्ड इमेज आई है यहाँ पे. फिजिक्स ऑफ प्लाज्मा फ्लोज अराउंड दिस सैगिटेरियस ए आवर्ली टाइम स्केल में. यूनिवर्स इज़ ह्यूज. इमेजिन जैसे आप और मैं हैं, ऐसे 7.8 billion पीपल हैं अभी अर्थ में. बिलियन में कितने जीरोज होते हैं? 7.8 billion पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड अर्थ में. ये केवल ह्यूमन बींग्स हैं, इसके अलावा एनिमल्स वगैरह भी बहुत हैं. अर्थ क्या है? एक स्मॉल प्लानट है ऑफ दिस सोलर सिस्टम सन का. सन भी एक नॉर्मल सा स्टार है मिल्की वे का. मिल्की वे में थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ सन्स हैं, ऐसे हर सन के पास कितने सारे प्लैनेट्स भी होंगे. एंड ये जो गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ऐसी मिलियंस अदर गैलेक्सीज भी हैं. तो लुक एट द स्केल. सो दिस इज इवेंट होराइजन. देन इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेंट. अब जो कल हमने देखा था मैरिटल रेप, उसका ये एडिटोरियल है. इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी अलाउड टू सैंक्शन फोर्स एंड वायलेंस. फोर्स एंड वायलेंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड होता है नो, एक वर्ड होता है यस. ये दोनों जो होते हैं ये अपने आप में एक वर्ड है. नो मीन्स नो. ओके सो इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेंट. सो हाईकोर्ट ने यहाँ पे बताया कि अगर हम क्रिमिनलाइज करेंगे मैरिटल रेप को, तो इसने फिर कॉन्ट्रोवर्सी अभी फिर आ गई है, डिबेट आने लग गया है. लीगल प्रोटेक्शन फॉर डिसरिगार्ड ऑफ कंसेंट फॉर सेक्स विद इन मैरिज. सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सोशियोलॉजी में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं GS1 में. राइट्स में हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं GS1 में. तो अभी जस्टिस साहब ने ये यहाँ पे बताया, स्ट्रक डाउन किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ द IPC.
जो ये बोलता है कि इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ एज्ड 18 और अबव इज नॉट रेप इवन इट इज विदाउट हर कंसेंट। तो ये चीज़ अब स्ट्रक डाउन हो गई है, मतलब इफ़ अंडर एज है 18 से कम है देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज रेप। सेक्शन 375 में जो एक्सेप्शन था अब ये नहीं है। इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज वाइफ एज्ड 18 और अबव इज नॉट रेप इवन इट इज विदाउट हर कंसेंट। तो अब ये सेक्शन हट गया है, दिस इज नॉट देयर, सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट। अब जजेस यहाँ पे डिफर भी कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आ जाता है। अभी वैसे भी मैरिज एज है 21, 18 भी नहीं है, 21 इज द मैरिज एज फॉर लाइक बोथ मैन एंड वुमेन। अब जजेस यहाँ पे डिफर कर रहे थे, एविडेंस कैसे होगा, कंसेंट का मतलब क्या होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, तो इन सब में क्या कोर्ट को इंटरवीन करना करेक्ट होगा। तो दिस इज़ नॉट दैट ईजी, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो जाता है, बट इसका एक डिसीजन मेकिंग, एक रेगुलेशन होना भी ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये डिस्कशन चल रहा है, लेट अस वेट यहाँ पे आगे किस डायरेक्शन में ये कैरी फॉरवर्ड होता है। देन इन्होंने ये भी बताया कि सरकमस्टेंसेस वगैरह कैसे होगा। तो ये जो एक्सेप्शन मिल जाता है, अगर एक्सेप्शन मिलता है मैरिटल रेप का या मैरिटल एक्सेप्शन मिल रहा है, तो ये अगेंस्ट होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ में। Besides, it also discriminates among women based on their marital states and robs them of this sexual agency and autonomy. So this is also one thing. So that is why this is a very sensitive topic. और इसमें honorable court यहाँ पे this consider कर रही है. But एक चीज़ और important है, वो है institution of marriage. Institution of marriage. So institution of marriage जो होता है, this is regarded as partnership. ये एक पार्टनरशिप होती है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप बराबरी पे होती है, बिटवीन इक्वल्स। सो अगर ये लॉ अगर वहाँ पर है तो आउट ऑफ प्लेस हो रहा है ये लॉ। सो देर आर अदर लॉज भी है सिविल रिलेशनशिप में, जैसे जो लेजिटिमाइज करते हैं कॉन्जुगल एक्सपेक्टेशंस को। तो इट डजंट मीन कि अगर मैरिज है तो एक फ्री पास मिल गया है वॉयलेंस का, बिकॉज डोमेस्टिक वॉयलेंस इज ऑल्सो वन थिंग। सो द पॉइंट इज, अगर फोर्स्ड है तो दिस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वॉयलेंस। तो ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे बताया। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट सेक्शुअल वॉयलेंस हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट सेक्शुअल वॉयलेंस हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज नो एक्सेप्शन। सो ये मैटर अभी डिस्कशन पे है, ऑनरेबल कोर्ट यहाँ पे दिस लर्नेड ऑनरेबल कोर्ट डिस्कस कर रही है, लेट अस सी इसमें आगे कैसे मूव होता है। देन दिस इज द राइज ऑफ सन विद डिलिमिटेशन ओवर जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन। कल परसों ही जो इसके डिटेल्स हमने देखे थे वो मोर देन सफिशियंट है। इंडिया नीड्स अ क्रेडिबल काउंट ऑफ इट्स COVID-19 टोल, येस। RBI वेट टू लॉन्ग टू रेज इंटरेस्ट रेट, येस। इसको पहले ही टेम करना, चालू कर देना था, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन का ये मॉन्स्टर अभी क्रिएट नहीं होता। देन दिस इज सी, नए चैलेंजर्स आ गए हैं, रॉजर फेडरर, राफेल नोवाक जोकोविक। अभी जैसे ये नया चैम्पियन है, ये भी बड़ा अच्छा है, इसने अभी बैक टू बैक हराया है नडाल को भी और जोकोविक को भी, तो दिस इज़ रियली गुड। एंड इज क्वाइट यंग, टीनेजर है ये, तो दिस इज़ रियली गुड। और दिस इज़ कार्लोस अल्काराज, इसका नाम है, 18 years 11 months 20 days का है, तो दिस इज़ रियली गुड। नए चैम्पियंस आ सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट, मैरिटल रेप, कोल क्राइसिस, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन, इंडो इजरायली कोऑपरेशन। अब बात आती है माइनॉरिटीज़ की, तो माइनॉरिटीज़ को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी लाइक दैट, नोटिफाई कैसे किया जाए, क्या ये केवल सेंटर का ही मैंडेट होना चाहिए या स्टेट को भी यहाँ पे कुछ राइट्स मिलने चाहिए। तो एक PIL फाइल हुआ, क्वेश्चन किया वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 2F ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और ये बोला कि क्या ये आर्बिट्ररी है, क्या ये कॉन्ट्ररी है 14, 15, 21, 29, 30 आर्टिकल्स का, बिकॉज सेक्शन 2F क्या बोलता है, माइनॉरिटी फॉर दिस पर्पज ऑफ दिस एक्ट मीन्स अ कम्युनिटी नोटिफाइड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस कम्युनिटी को माइनॉरिटी बता सकती है। तो इस पे एक PIL हुआ है। सेक्शन 2C बोलता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, ये भी बोलता है केवल सेंटर ही नोटिफाई कर सकती है कि कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटी है और कौन सी नहीं। अब 5 नोटिफाइड कम्युनिटी हैं जिनको माइनॉरिटीज़ में रखा गया है, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसीज। फिर 2014 में जैनिज्म को भी माइनॉरिटी में रखा गया। तो आज की डेट में 6 माइनॉरिटीज़ है हमारे यहाँ, 6 माइनॉरिटीज़ के नाम हैं मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट,
पारसीज और जैन, ये माइनॉरिटीज कहा जाता है। तो पीआईएल ने इसका क्वेश्चन पूछा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सेंटर का ही क्यों पावर है, स्टेट का भी तो इसमें कुछ से होना चाहिए। लेट अस सी आगे क्या होता है। दिस इज इन द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, आज का जो देखने को आ रहा है ना ट्रेंड, एक तो ओबेसिटी भी बढ़ रही है और दूसरा ये हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूसली अगर 140-90 से ज़्यादा आ रहा है, 140-90 सिस्टोलिक, दिस 140 से ज़्यादा है, डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा है, तो उसको कैटेगराइज किया जाता है हाइपरटेंशन। इंडिया में 25/25 गोल है। प्री मैच्योर मोर्टैलिटी जो हो रही है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से 25% तक कम करना है बाय 2025। तो ये 9 वॉलेंटरी जो उसमें टारगेट्स है ना, उसमें हाई ब्लड प्रेशर को करेक्ट करना भी ज़रूरी होता है। तो ये इतना ज़्यादा दिस जो ब्लड प्रेशर है इसके बहुत सारे रीजंस भी है। लाइफ स्टाइल इज़ वन रीज़न, प्लस हाइपर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो रहे हैं हम, जिस तरीके से जो सोशल मीडिया एट्सेट्रा है, जो पता है सोशल मीडिया जो है ना, दिस इज़ डिज़ाइन इन अ वे कि आपको लगे आप कुछ कम हो, सो दैट आप उससे हुक्ड रहो, एक इनफाइनाइट स्क्रॉल चलता जाए। सो दिस प्लेज विद योर साइकोलॉजी, तो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो जिस तरीके से डिजिटल हम देख रहे हैं कंटेंट, और आपको पता है इंस्टाग्राम में जितनी परफेक्ट चीज़ें दिखती है ना उतनी होती नहीं है, ट्विटर में जितना केओस होता है एक्चुअली में इतना ज़्यादा विट्रियल सोसाइटी में है नहीं, फेसबुक एट्सेट्रा में जितना ज़्यादा ऑसम चीज़ें दिखा रहे हैं, लिंक्डइन में जितना हाईफाई अपना करियर दिखाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो इन सब चीज़ों को ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, कंपैरिजन भी अननेसेसरी हम करने लग जाते हैं, डोंट। आप अपना देखो, अच्छे से अपना ऑनेस्टली वर्क करो, सिंसियरिटी के साथ वर्क करो, यू विल बी गुड, यू विल डू जस्ट वेल। ओवर थिंकिंग शुड नॉट बी देयर, अदरवाइज इस टाइप की जो डिसीजेज होती है कोई यूटिलिटी नहीं है फिर इसमें, सो दिस शुड बी देयर। बाकी ड्रग्स वगैरह इधर हम देखें, रजिस्टर होना चाहिए। सी 21% वीमेन, 24% ऑफ मेन एज्ड 15 हैव हाइपरटेंशन इन द कंट्री। दिस इज वेरी सोरो स्टेट ऑफ अफेयर्स। प्रिवेलेंस हाईएस्ट है केरला में, 32% मेन एंड 30% वीमेन, और केरला में एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी एजुकेशन हमें हाइपरटेंशन की तरफ पुश कर रही है। दिस इज ऑल्सो वन क्वेश्चन, डायग्नोस्ड विद हाइपरटेंशन। सो दिस इज देयर, इसमें सेल्फ हमें एक्सरसाइज होना चाहिए। डाइट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, डाइट हमारी दिस बैलेंस डाइट हो, प्रॉपर स्लीप हो, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, हाइपर कॉम्पिटिटिव एट्सेट्रा, देर इज नो यूज, जस्ट डू योर वर्क, दैट्स ऑल। सो दिस इज देयर। अब डॉक्यूमेंटिंग दिस ऑन स्क्रीन, नो योर इंग्लिश में है। अब इसका प्रोनंसिएशन, इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। हिंदी में क्या होता है, हम जो लिखते हैं ना वही बोलते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होता उसमें। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। अब इसको प्रोनंस करते हैं कबिज, कबिज समथिंग लाइक दैट, ओके। सो दिस इज देयर। अब ही वर्कड हार्ड। फिर एक और चीज़ होता है, यहाँ एक अच्छा लिखा हुआ है, हम जब राइटिंग करते हैं ना तो ज़्यादा जार्गन्स यूज़ नहीं करने चाहिए, जार्गन्स नहीं करना चाहिए। राइटिंग जितनी सिंपल होती है ना उतनी ही इफेक्टिव होती है, एस्पेशली आप ऐसे में, इस बात को याद रखना, ऐसे में इवन आंसर राइटिंग में भी। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है हम बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे, जार्गन्स यूज़ करेंगे, इडियम्स वगैरह यूज़ करेंगे, लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी। एक्चुअली वो आपकी राइटिंग को कॉम्प्लिकेट कर देता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऐसे में जो लिखा भी होता है, आइडिया आप अपना अच्छे से बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो। सो दैट इज़ वाई मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करो, इजी वोकैबुलरी यूज़ करो, ओके, देन एक्टिव वॉइस ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। डायरेक्ट सेंटेंसेज अच्छे होते हैं इनडायरेक्ट के बजाय, इसमें ज़्यादा वर्बोसिटी नहीं होता। ट्राई टू डू दिस, इससे चीज़ें बेटर होगी। ओवरडू नहीं करना चाहिए वरना वो बैकफायर करता है बहुत। जैसे कुछ रूल्स हैं, Never use a metaphor, simile or other figure of speech when you are used of seeing to in print. Simple रखो, सामने वाला आपकी बात समझ पाए। Use a long word where a short one will do. No, short words use करो, simple words करो। If it is possible to cut a word out, always cut it out. Verbosity नहीं रखो। Never use the passive when you can use the active. Passive voice बड़ी verbosity होती है, active voice बोलो। Never use a foreign phrase, scientific word or a jargon word if you can think of an everyday English equivalent. जैसे कई बार कुछ some people are good in technology. आपसे पूछा है मोबाइल अच्छा है या नहीं, अब आप सामने वाले को नॉलेज है नहीं, बट यू स्टार्ट थ्रोइंग जार्गन्स, ओके इसमें 3 mm प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन दिस है, थ्रॉटल लेवल इतना है, ISP इसका ऐसे, नॉट रिक्वायर्ड। अननेसेसरी जार्गन से बचना चाहिए। ब्रेक एनी ऑफ दीज रूल्स सूनर। सो द पॉइंट इज, राइटिंग आपकी जितनी क्रिस्प होगी
कम्युनिकेशन जितना क्रिस्प होगा उतना ही बेटर है, क्योंकि इन दी एंड कम्युनिकेशन में आइडियाज़ बहुत मैटर करते हैं। आइडियाज़ अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करने, बट दैट डजेंट मीन कि हम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बोल रहे हैं या फिर हम इनकन्सिस्टेंट सेंटेंसेस कर रहे हैं, रॉन्ग चॉइसेस ऑफ वर्ड्स कर रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। द आइडिया इज टू मेक अ बैलेंस बैलेंस। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, कॉल्स फॉर ग्लोबल एफर्ट टू कर्ब मैच फिक्सिंग। जनरल पांडे रिव्यूज सिचुएशन इन लद्दाख। लद्दाख इज इम्पॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर WHO रिफॉर्म। WHO इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिफॉर्म्स आर नेसेसरी आफ्टर स्पेशली आफ्टर COVID-19 डिबेकल। फुल कवरेज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स विल एंड अपीजमेंट पॉलिटिक्स। अब ये जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट होती है ना, ये कभी वर्क नहीं करती। हिस्ट्री आप पिक करके देखो, World War II एटसेट्रा भी, अपीजमेंट पॉलिसी नेवर वर्क्स। द आइडिया इज एक्चुअली में डिलीवर करना चाहिए गवर्नमेंट स्कीम्स को, एक्चुअली उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर हम ये कर लेंगे तो हमारी बहुत सारा जो डिफिकल्टी है गवर्नेंस में वो ऑटोमेटिकली ओवरकम हो जाए, वो डिलीवर हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देन मिस्टर देवबा से अभी टॉक होगा। वन मैन रेस्क्यू मिशन फॉर वाइल्ड ऑर्चिड्स इन असम, दिस इज रियली गुड। हंगर रिस्क फ्रॉम क्लाइमेट थ्रेट। अब 2030 आते आते एक ये रिपोर्ट है फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की कि क्लाइमेट चेंज होगा, इंडिया का जो फूड प्रोडक्शन है 16% तक कम हो सकता है। दिस इज अ थ्रेट। मीट प्रोडक्शन भी कम होगा, हंगर इसके साथ, हंगर डिसीजेज एंड दिस हंगर के डेथ एंड कैजुअलिटीज भी हो सकती है। उज्ज्वला LPG स्कीम में प्रॉब्लम है कि बेनिफिशियरी रिफिल नहीं कराते। सिलेंडर ले लिया बट रिफिल तो इतना महंगा है तो वो कराते ही नहीं, तो दिस इज देयर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 21-22 में हुई थी, इसमें प्रोविजन था एडिशनल 1 करोड़ कनेक्शन का, रिलीज ऑफ एडिशनल 1 करोड़ कनेक्शन। ओके, अभी तक 9 करोड़ कनेक्शंस यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं, बट द पॉइंट इज रिफिल भी तो होना चाहिए। कोविड इफेक्ट के कारण ये देखने को आ रहा है, तो वन टाइम यूज नहीं होना चाहिए, सिलेंडर रिफिल भी कराना है, प्रोविजन शुड बी देयर। सेफगार्ड करें डोमेस्टिक वायलेंस विक्टिम्स का, अब इसकी भी कोई जगह नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में डोमेस्टिक वायलेंस। स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। सीकिंग टू काउंटर चाइना, बाइडन होस्ट एशियन लीडर्स। UK विल एक्ट इफ नॉर्दर्न आयरलैंड ब्रेग्जिट डील इज नॉट चेंज। UN ने इन्वेस्टिगेशन रशियन वॉर क्राइम्स। देन केसेस राइजिंग अफ्रीका अमेरिका, नॉर्थ कोरिया मिसाइल फायर कर रहा है। GDP ग्रोथ 8% हो सकती है, लेट अस सी। इंडस्ट्रियल आउटपुट है, रुपी डिक्लाइन हो रहा है, सेकेंड रिकॉर्ड लो पे पहुंच गया, सेंसेक्स भी डिक्लाइन हो रहा है। टाटा सन्स ने दिस मिस्टर विल्सन को एयर इंडिया CEO बनाया है। फॉरेक्स भी डिक्लाइन हुआ, 28 बिलियन नीचे हो गया है। गूगल 6A लॉन्च करेगा बट कब वी डोंट नो। फोर्ड मेक्स U-turn shelves EU एक्सपोर्ट प्लान। अब फोर्ड भी बहुत कन्फ्यूज है यहाँ पे। सो दिस इज द हिंदू। ऑलराइट, सो अभी हम सेम डे पे आ गए हैं, 12th and 13th May। ऑलराइट, कल अब अपन 14th May सेम डे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ़।